मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए हमारे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक और MIM के नेता जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करते हैं जो मुमरा में लोगों को, आवाम को गुमराह कर रहे हैं यहाँ के सत्ताधारी जो हैं, उनके बारे में दरअसल इनसे दो तीन मुद्दों पे हम बात करेंगे। जावेद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जावेद भाई, आपसे सवाल है कि आपने इससे पहले कब्रिस्तान के बारे में मिट्टी कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, उसके बारे में गहराई से जनता को बताया था, तो इस बारे में कुछ आपसे मालूम करना है। और हॉस्पिटल और गार्डन की भी बात हुई थी, इसके बारे में जरा कुछ वजाहत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुमरा शहर के वासियों, मैं जो यहाँ की जो सत्ताधारी है, जो लोग कह रहे हैं कि हम मुमरा को संघाई बना रहे हैं और एक नंबर की मार्केट बनाएंगे, तो उसके ऊपर मुझे मजबूरन ये न्यूज़ के चैनल से बोलना पड़ रहा है कि इसके पहले मैंने जब न्यूज़ में, बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ों में देखा कि वो कब्रिस्तान में जब लोगों को दफन किया गया तो वो इतना पानी भर गया कि उनकी जो लाशें तैरती रहीं, और बारिश जब हुई वहाँ पे, एक दिन उसी टाइम पे कोरोना के टाइम पे 4 लोगों की मैयत हो गई कोरोना से, और उस टाइम मैं खुद जाके स्वयं देखा वहाँ देख के। तो वो कब्रिस्तान खोदने वाले बेचारे, वो बारिश में कब्र खोदने, इतना पत्थर था, ये बाखुदा बोलता हूँ ये न्यूज़ के चैनल से, यहाँ की आवाम को बता रहा हूँ, उन सत्ताधारी को बता रहा हूँ कि जैसी भी 1:30 बजे रात को मंगाई गई 2 बजे, और JCB से खोद के कब्र को उन 4 लोगों को दफन किया गया। आपको पता नहीं है, सबको पता है वहाँ क्या हुआ है। कब्रिस्तान तो दिए, ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे शहर के लिए स्लाटर हाउस की जगह में कब्रिस्तान तो दिया गया, कम से कम दिए तो। लेकिन जब उन्होंने यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों को, हमारे नेता ने कहा कि मैं जिस स्पोर्ट पे आया हूँ, बहुत दिनों के बाद लाइफ में आया हूँ, हमारे साथ मुमरा के कुछ बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, हमारे दोस्त लोग भी आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको इस चैनल के न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले तो देखा तो बहुत अच्छा भरनी हो रही है, ये हो रही है, मैं भी खुश था, यहाँ की जनता भी खुश थी। लेकिन जब इसके टिप्पणी होने लगी न्यूज़ चैनल से, जब देखा गया कि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा, TMC को मैंने माहिती मांगा कि इस कब्रिस्तान में कितना लागत लगा, और यहाँ पे जो है गुजरात से मिट्टी आई है क्या, उसका रॉयल्टी भरा हुआ है क्या। तो मुझे जवाब आया कि यहाँ पे कोई गुजरात की मिट्टी नहीं आई, यहाँ की कोई रॉयल्टी नहीं आई। वो हमारा लीडर जो है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन वो जब मैं अपने आँखों से देखा उस बात को, उन लीडर ने कहा कि ये मिट्टी जो है, ऐसा करके उठा के उन्होंने बताए कि ये मिट्टी मैं गुजरात से ला के ये जनता के लिए मुमरा में तोहफा दे रहा हूँ, तो ये बहुत शर्मनाक की बात है। तो अब बताओ, कब्रिस्तान में तुम खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, फिरौन बादशाह तो भी इतना पैसे वाला था, उसका हाल क्या हुआ। अगर मैं भी ऐसा कब्रिस्तान में गलत, मेरा भी वही हाल होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कब्रिस्तान को आप लोग नहीं छोड़ रहे हो तो और भी बातें क्या छोड़ेंगे। दूसरी बात कि मुमरा के अंदर COVID-19 का एक हवाला दे के पुलिस जो है लोगों को लाठीचार्ज ये कर रही थी, कौन सा ऐसी जरूरी बात आ गई जब हर काम के लिए कोविड का एक लेटर देते, अगर कोई हड़ताल करता है तो बोलते कोविड है नहीं। लेकिन एक जो पावरफुल नेता है उसके कहने पे उसी टाइम पे TMC कौन से कायदा के अनुसार जो गार्डन का उद्घाटन किया गया इतनी आवाम के सामने और इतनी जनता की भीड़ में, ये कौन सी बात। यानी तुम वाहवाही लोगों को खाली करना चाहते हो कि हम लोग देखो बहुत सेकुलर लोग हैं, मुमरा समाज का काम करते हैं। तो आपका एक तो ना हॉस्पिटल आज तक कंप्लीट हुआ, आपका ना तो कब्रिस्तान सही इसका खुला, अरे है तो खुलासा करो ना।
ना आप जो है बकरा ईद में जो ये धांधली हुई ये नहीं तुमने खुलासा किया, मुमरा की जो सड़कें हैं वो भी अधूरी पड़ी हैं, मुमरा के अंदर हॉकर्स वो भी पड़ा हुआ, अभी इंशाल्लाह मैं जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान की जो लागत बताई गई है मेरे पास फिगर है, वो कब्रिस्तान को नपवाऊंगा और उसका कंस्ट्रक्शन चार्ज निकालूंगा, फिर वो कितना जो है उसमें खर्चा हुआ है कि सब में भ्रष्टाचार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस न्यूज के माध्यम से कि लोग बोलते होंगे, लोग बोलते हैं कुछ करते नहीं है, अरे ये क्या किए 15 साल से, पानी थोड़ा से भर जाता है पूरा गटर भर के लोगों के घर में बैठता, ये विकास है क्या? बच्चों के लिए कोई गार्डन नहीं है यहाँ जावेद भाई, और इतना बड़ा शहर है और डेवलप हुआ है तो बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए कुछ गार्डन होना चाहिए, और जबकि पहले सुना गया था कि गार्डन बनने वाला है, गार्डन बनने वाला है, वो कहाँ है? अरे आप गार्डन की बात कर रहे हैं, अभी आपको गार्डन खोल के दिया रिजर्वेशन जगह में, COVID-19 के टाइम में इन्होंने गार्डन में उद्घाटन LD लगा के किए कि हमने किए, तो आप ऐसा क्यों बोलते कि ये लोग गार्डन नहीं बनाए? गार्डन तो स्कूल जहाँ बनाना था इलेक्शन में बोले तो वहाँ तो गार्डन बना दिए, लेकिन वो गार्डन में जाके देखो क्या हाल हो गया। तो TMC से मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा कायदे के ऊपर तुम काम कर रहे हो, मत करो बेकायदा काम। यहाँ पे जो 10 साल से एक अफिसर बैठा है जो चूहा बिल्ली का खेल उनके कहने में कर रहे हैं, मैं उसको इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ मत करो यार, मत छेड़ो हम लोग को, गलत काम मत करो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, मेरा कहने का यही मतलब है। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।